हरे कृष्णा राधे राधे माधव कृष्ण में आप सभी कृष्ण भक्तों का स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं ठाकुर जी के लिए प्यारी सी धोती जिसमें कि स्कर्ट भी अटैच है। तो देखिए जैसे मैंने बताया इसमें हमने स्कर्ट भी अटैच की हुई है, तो इसमें अलग से हमने स्कर्ट नहीं बनाई है। बहुत ही प्यारी सी धोती है और जो कि बनाने में बहुत आसान है, हम आपको यही आज धोती बनानी बताएंगे। और ये देखिए स्कर्ट इस तरीके से स्कर्ट बनाई हुई है और ये धोती नीचे से है, तो ये हमने बहुत ही प्यारी सी धोती बनाई है। ये देखिए फ्रंट साइड से देखिए, बैक साइड से देखिए, इस तरीके से ये धोती लगेगी देखने में और पहनने के बाद भी हमारे ठाकुर जी बहुत ही प्यारे लगेंगे। तो यही आज हम आपको इस वाली वीडियो में बनानी बताएंगे। इसी के साथ हमने राधा रानी की सेम मैचिंग ड्रेस बनाई है। तो जैसे कि मैंने बताया हमारे ठाकुर जी की और हमारी राधा रानी की हम सेम पैटर्न से दोनों एक ही पेयर बनाते हैं, तो जो कि पहनते हैं तो बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो ये देखिए स्कर्ट, और हमने जैसे कि ये वाली स्कर्ट, ये हमारी राधा रानी की फ्रिल वाली, ये जी इस तरीके से चुन्नट वाली, हमने प्लेट वाली नहीं बनाई थी, और इस तरीके की ये हमने स्कर्ट बनाई है। ये स्कर्ट है, लहंगा नहीं है। तो और ये हमने यहाँ पर ये देखिए ब्लाउज, ब्लाउज भी बहुत ही प्यारा सा हमने इस तरीके से बनाना बताया। इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, जहाँ से देखकर आप बनाना सीख सकते हैं। तो ये हमारी राधा रानी का पेयर बनाया था हमने, बहुत ही प्यारा सा पेयर है ये, और कलर कॉम्बिनेशन भी हमने बहुत प्यारा सा दिया है। तो इसी तरीके से आप भी अपने राधा रानी युगल सरकार के लिए ड्रेस बना सकते हैं। तो आप आज हम इस वीडियो में आपको धोती बनाना बताएंगे। तो जैसे कि हम धोती बनानी बताएंगे आज इस वीडियो में, तो ये धोती हमारे जो हमारी युगल सरकार है वो 15 इंच का हम आपको माप बताएंगे इसका। तो ये 15 इंच की धोती बनानी बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहती हूँ, जो भी मेरे चैनल पे नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो आइए ठाकुर जी की हम धोती बनाते हैं। धोती का माप हम आपको बताना चाहेंगे। तो धोती का माप क्या है, इस तरीके से देखिए हमने यहाँ से जो कपड़ा लिया है ये 7.5 इंच का है, 7.5 इंच का इस तरीके से। तो अब इसको हमने दो पीस लिए, जैसे धोती में दो पीस करने होते हैं, तो ये दोनों पीस हमने कट कर लिए, इसको बीच में सेंटर से भी कट कर लिया है। तो इस तरीके से ये देखिए अब हमें क्या करना है, जैसे हमें तिकोनी धोती बनानी तो तिकोनी बना सकते हैं, और हमें इस तरीके से शेप डालनी है तो शेप डाल सकते हैं। मैं आपसे आपको चौक से दिखाती हूँ मार्क करके, जैसे यहाँ से हम इस तरीके से हमारी यहाँ तिकोनी धोती हो जाएगी, और यहाँ पे हमें गोल चाहिए तो इस तरीके से हम इसको गोल कर सकते हैं। तो ये आप भी चॉइस कर सकते हैं। तो हमें यहाँ पे बता दिया अब क्या करना होता है, इस तरीके से ये धोती हमें कट करने का ये पैटर्न होता है यहाँ से, और यहाँ से ये गोल का शेप यहाँ से कट कर लेती है, और यहाँ से हम इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा कट करती हैं, ये देखिए एक्स्ट्रा इसलिए कट करती है यहाँ पे चुन्नट डालने में, इस तरीके से तिकोना ना निकले और इजीली हमें यहाँ पे चुन्नट पड़ जाए। तो इसको कट कर देती हूँ यहाँ से एक्स्ट्रा जितना भी है इस तरीके से, और ये पीछे मार्क कर लेती है। इससे क्या पता चलेगा, हमारा ये ऊपर का साइड है और यहाँ पर धोती का नीचे का बॉटम साइड है। तो यहाँ पर इस तरीके से करने के बाद ये धोती का कट हो गया है, मेजरमेंट हमने बता दिया आपको। अब हमें इसको स्टिच करना है। स्टिच कैसे करना है, जैसे मैंने अपनी राधा रानी की स्कर्ट बनाई सेम मैचिंग हम धोती बना रहे हैं। तो मैचिंग से धोती में क्या करना है, इस तरीके की ये देखिए जरी वाले कपड़े की पाइपिंग डालेंगे। तो इस तरीके से पाइपिंग कहाँ डालेंगे, टू साइड, इधर और इधर। तो ये देखिए जैसे कि मैंने बताया मुझे यहाँ पर जरी वाला कपड़ा की पाइपिंग डालनी है, तो इस तरीके से हमें पट्टी लगाएंगे। पाइपिंग होती है थोड़ा पतली होती है, पट्टी थोड़ा चौड़ी होती है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर ऊपर रखेंगे और उसको स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद क्या करेंगे, इस तरीके से हम यहाँ पर फोल्ड कर देंगे ताकि ऊपर इस तरीके से सीधी पट्टी आ जाए। तो देखिए हमने यहाँ पे पट्टी स्टिच कर दी है साइड से, बहुत ही डिजाइनर सी बहुत ही प्यारी धोती बन रही है ठाकुर जी के लिए। आपके दोनों पीसों को हमें यहाँ से ज्वाइंट करना होता है, ताकि मैंने यहाँ पे देखिए ज्वाइंट कर दिया है। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 इंच हमने ज्वाइंट कर दिया। अब हमें क्या करना है, प्लेट्स बनानी है। प्लेट्स देखिए किस तरीके से बनानी है, इस तरीके से हम यहाँ पर प्लेट्स बनाएंगे, इस तरीके से प्लेट्स बनाएंगे और इस साइड से इधर बनाएंगे और इस साइड से इधर को बनाएंगे। और ये इतनी प्लेट्स बनानी है, दोनों पीसेज में इतनी प्लेट्स बनानी जो कि हमारे ठाकुर जी की कमर पर आ जाए। तो ये देखिए धोती में हमने चुन्नट डाल दी है, इस तरीके से चुन्नट डालनी होती है। चुन्नट डालने के बाद अब क्या करना है, ये देखिए नेफा, नेफा लगाना होता है। नेफा हमारे यहाँ पर इस तरीके से नेफे की पट्टी ली हुई है हमने, ये 2.5 से 3 इंच की पट्टी लेती हूँ मैं इस तरीके से। और यहाँ से हमारे ठाकुर जी की जो कमर है वह 8 इंच की इसको तैयार रखेंगे, जो एक्स्ट्रा होगा हम इसको कट कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पर नेफे के लिए कपड़ा ले लिया। इसमें हमें क्या करना है, डिज़ाइन हम जो बनाएंगे, डिज़ाइन हम धोती में जैसे बना रहे हैं तो जयपुर या ये जरी वाला कपड़ा है इसी का हमें फ्रिल बनानी है। तो ये देखिए इस तरीके के जरी वाले कपड़े का हमने फ्रिल बनाई, जैसे कि हमने अपनी राधा रानी की ड्रेस में लगाया, तो सेम हम पैटर्न वही बना रहे हैं, वही हम दोनों कॉम्बिनेशन डाल रहे हैं। तो इसमें जो हमने फ्रिल बनाई है, मैंने 15 इंच का कपड़ा लिया है। 15 इंच का लेने के बाद इस तरीके से, और इस साइड से जो मैंने लिया है यहाँ पर, ये देखिए 3 इंच की मैंने पट्टी ली है, इसको मैंने फ्रिल तैयार कर ली। तो ये फ्रिल हम देखिए कहाँ पर लगाएंगे, इस जगह पर,
जो कमर का सेंटर होगा इस जगह पर हम यहाँ पे इसको रखेंगे और स्टिच कर देंगे। साथ ही हम इस तरीके से यहाँ पर नेफा स्टिच करेंगे रखने के बाद, और ये नेफा यहाँ से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। तो मैं इस तरीके से इतना स्टिच करके आपको दिखाती हूँ। तो देखिए हमने यहाँ पर नेफा स्टिच कर दिया और साथ में ये फिल स्टिच कर दिया। फिल को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं अपने ठाकुर जी के धोती के अनुसार। तो ये मैंने आपको फिल का एक पैटर्न बता दिया, आप अपने ठाकुर जी के अनुसार इस तरीके से फिल छोटी बड़ी कर सकती हैं। तो ये बहुत ही प्यारे से फिल वाली हमने धोती बनानी आपको बताइए। और ये देखिए इस तरीके से ठाकुर जी जब पहनेंगे तो बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। और ऊपर ये हमारे जो हमारी स्कर्ट फिल वाली जो स्कर्ट हो गई ये अटैच हो गई और नीचे विद धोती, तो दोनों ये अटैच हमने बना दिए। तो इसी तरीके से आप अपने ठाकुर जी के लिए प्यारी सी धोती बनाइए फ्रिल वाली। ये देखिए फ्रंट से देखिए और बैक से देखिए, बहुत ही प्यारी धोती लग रही है। ये देखिए, मैं आशा करती हूँ मेरा समझाने का तरीका आपको पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। राधे राधे।